गाइस देख सकते हो आसमान पूरा साफ हो चुका है और बर्ड्स को मैंने फिर भी मैंने बर्ड आप लोग देख सकते हो 3 अंडे बर्ड्स ने दिया है और बहुत अच्छे तरीके से दिया है। हम खाने का अगर तरीका देखोगे दोस्तों, आप लोग देखो किस तरीके से ये खाते हैं। पहले देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स केयर होम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो गाइस बहुत दिनों बाद जो है बारिश अभी रुक चुका है और देख सकते हो आप अच्छा खासा सनलाइट भी मिल रहा है हम लोगों को। और इसी के रिगार्डिंग अभी क्या है बर्ड्स का डाइट और बर्ड्स का ब्रीडिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और अंडे को कितने दिन में इंक्यूबेट होता है, कितने दिन बाद जो है अंडे में से चिक्स निकल आता है, सारे बारे में आज डिस्कस करेंगे इस बारे में। और गाइस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आज बताएंगे, लेकिन आप लोगों को वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। और गाइस वीडियो अगर वॉच नहीं करोगे तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कम मिल पाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर फुल वीडियो मतलब वॉच करो। वॉच करने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारना, कमेंट मारना, और गाइस अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस देख सकते हो आसमान पूरा साफ हो चुका है और बर्ड्स को मैंने फिर भी मैंने बर्ड्स को प्लास्टिक से कवर करके रखे थे, क्योंकि कभी भी बारिश अगर होगा तो फिर हम लोग रात के टाइम सोए रहेंगे नीचे, तो बर्ड्स क्या है भीग सकता है। तो गाइस ये रहा मेरा जाभा का मतलब सारे के सारे पेयर, जितने भी मैंने नेस्टिंग दिए थे सारे नेस्टिंग को इसने अंदर लेके चला गया। और इस साइड भी 2 अंडे मैंने देखे हैं, अंदर के साइड 2 अंडे इसने दिया है। और पिछली बार इसका अंडे खराब हो चुके थे, इसने जितने भी अंडे दिए थे उसमें से 2 चिक्स जो है गाइस निकाला है। ये 2 जो वाइट जाभा है ये 2 उसने निकाला है अभी। और यहाँ पर 3 बजीज है, इस वाले बजीज को जो पुराना पेयर है बजीज, सबसे पुराना मेरे घर में सबसे पहला बर्ड्स यही है। तो ये बजीज को गाइस मेरे जो वहाँ पर एक मेल बजीज है उसके साथ देंगे, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था मेरा बजीज का जो फीमेल है वो एक्सपायर हो चुका है दोस्तों। तो गाइस आज क्या करेंगे उसको यहीं पर अंदर लेके आएंगे। और गाइस बर्ड्स को देखो, कॉकटेल बर्ड्स को देखो, आपको लगता होगा कि ये बहुत ही बड़ा मेल है और फीमेल है, लेकिन ये गाइस चिक्स है इसका और चिक्स भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। अभी 2 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बड़ा हो चुका है। और इसका जो फीमेल है दोस्तों, फीमेल अंदर है और देखेंगे आज कितना सारा अंडा दिया है इसने, क्योंकि लास्ट 2 अंडे तक देखे थे हमने, 2 या 3 शायद, आज चेक कर लेंगे कितना अंडे देगा। और गाइस इसका मैंने मीटिंग कल फॉलो किया था, हल्की सी झलक मैंने देखा कि बर्ड्स जो है मीटिंग कर रहा है। और गाइस मुझे लगता है ये भी शायद इस सीजन में अंडा ले कर सकता है। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहे, सबसे पहले मैं इन लोगों का जो पानी और सॉफ्ट फूड है इसको मैं दूंगा। सॉफ्ट फूड के लिए दोस्तों आपको देख सकते हो मैं भिगा के रखा हूँ, क्योंकि मुझे पता हो चुका है मतलब पता चल गया था कल शायद बारिश नहीं होगा। तो जब भी बारिश बंद होता है दोस्तों, जब भी बारिश बंद होता है तभी मैं पानी में इस तरीके से सॉफ्ट फूड रेडी करने लगता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोटीन इसी के मतलब इसी के रिगार्डिंग ही मिलता है सॉफ्ट फूड में। तो ये एक भिगा हुआ जो चीज़ है वो अच्छा भी होता है और जल्दी से हजम भी हो जाता है। तो चलिए पहले इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे, धोने के बाद सारे बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो गाइस मैंने जितने भी बर्ड्स थे मेरे सारे बर्ड्स को मैंने सॉफ्ट फूड जो है दे दिया है। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से सॉफ्ट फूड खा रहा है मेरा बर्ड्स। और ये रहा और दोस्तों ये रहा इसका चिक्स जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन इसके नाक के ऊपर मुझे लगता है थोड़ा सा इसका मेल ने काट दिया है, इसका मेल जो पेरेंट्स है इसने शायद काट दिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बर्ड्स मतलब खाने लायक हो जाते हैं, वो खुद से फीड कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो फीडिंग नहीं करते खुद से, तो कभी कभी गुस्से में आके मेल जो है उसको काट देता है। और मुझे लगता है इसको काट चुका है इसके नाक के ऊपर। कोई नहीं दोस्तों, ये सब ठीक हो जाएगा। तो गाइस चले आते हैं मेन टॉपिक की ओर। बर्ड्स अगर मीटिंग कर रहा है, मुझे जो मतलब जहाँ तक मुझे दिखाई दिया दोस्तों, मीटिंग करने के 8 दिन बाद मुझे जो है इस केज में अंडे देखने को मिले, क्योंकि जिस टाइम ये लोग मीटिंग कर रहे थे उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था और इस वाले केज का मैंने मीटिंग जो है वीडियो नहीं कर पाए।
और गाइस मीटिंग करने के बाद, मतलब अगर नया नया पेयर होगा या नया फर्स्ट टाइम जो ब्रीड कर रहा होगा, तो आपको मीटिंग करने के बाद क्या क्या सिम्टम मतलब दिखने को मिल सकता है। देखिए ऊपर वाला जो ब्रीडिंग पेयर है उसने 7 दिन या 8 दिन के बाद जो है बॉक्स के अंदर अंडे मैंने दिखा, और नीचे वाले जो पेयर है इसका जो सिम्टम है दोस्तों, इसका क्या सिम्टम हो रहा था, मतलब बॉक्स के अंदर फीमेल देखना, अभी तो मेल जा रहा है लेकिन फीमेल बहुत ज़्यादा बॉक्स के अंदर जाएगा, अप एंड डाउन करेगा बार बार। और दोस्तों ये जो कैटल फिश बोन है ये खाएगा, मैंने अभी अभी जस्ट तुरंत नोटिस किया था कि ये जो फीमेल बर्ड्स है ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जा रहे थे और बार बार घूम फिर के आके ये कैटल फिश बोन खा रहा था, तो ये चीज़ आपको ध्यान दे के रखना होगा। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको इनको प्राइवेसी देना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्राइवेसी दोगे इसको उतना ही अच्छी तरीके से ब्रीड करेगा, क्योंकि आप जो लोग कॉकोटल्स पालते हैं उसको पता है कॉकोटल बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा डरपोक मतलब परिंदे हैं, तो इसलिए गाइस आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रीडिंग टाइम अगर बर्ड से अगर ब्रीडिंग लेना चाहते हो तो आप ज़रूर उसको प्राइवेसी दो, विदाउट प्राइवेसी वो कभी भी ब्रीड नहीं करता है दोस्तों। आज नहीं दोस्तों, मैं मतलब मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ मैंने वही चीज़ इन लोगों को देखा कि जब तक ये लोग ब्रीड मतलब ब्रीडिंग के लिए जब रेडी होता है और ये इसको अगर प्राइवेसी आप ना ही दोगे तो ये कभी भी ब्रीड नहीं करता है दोस्तों, कभी भी ब्रीड नहीं करता है। तो आपको ये चीज़ जो है आपको देख लेना होगा, देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से इसका सॉफ्ट फूड देना होगा, इसका पानी देना होगा, इसका सीड मिक्स देना होगा और बहुत ढेर सारा प्राइवेसी देना होगा। तो इस तरीके से अगर आप केयर करोगे तो आपके भी घर में केज के अंदर जो है आपको अंडे देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस चलिए अभी अंडे हम देखेंगे। बॉक्स तो ये रहा दोस्तों, और बॉक्स को हल्का सा ओपन करेंगे, उसका मेल और उसका बच्चे दोनों का दोनों जो है बाहर आ चुका है। देखो तो गाइस 3 अंडे आप लोग देख सकते हो, 3 अंडे बर्ड्स ने दिया है और बहुत अच्छे तरीके से दिया है। हमें लगता है आज शाम तक ये और एक अंडे दे चुके होंगे, क्योंकि आप अगर इसका नीचे का पोर्शन देखोगे बहुत ज़्यादा इसका फूल गया है, मतलब अंडे आ गया है, तो इसलिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बर्ड्स जब अंडे देगा दोस्तों, अंडे देने के टाइम आपको बिल्कुल ही जो है डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों। क्यों नहीं डिस्टर्ब करना है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी वो अंडे देते टाइम अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसको एक बाइंडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, बाइंडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग इसलिए कोशिश करो कि बर्ड्स अगर अंडे दे रहा होगा, जब तक पूरे अंडे नहीं दे रहा है आप कम ही चेक करो, कम का मतलब मेरा दोस्तों 3 दिन बाद या 2 दिन बाद एक बार चेक करो, जैसे मैं ये 3 दिन बाद चेक किया हूँ। गाइस जैसे कि मैंने इसको 3 दिन बाद चेक किया, आप भी ट्राई करो चेक करने। अब दोस्तों आ जाते हैं इसका अंडे को इनक्यूबेट, ये जब फर्स्ट एग लेक किया था तब ये इंक्यूबेट नहीं कर रहा था, उसका मेल ही 2-3 बार देखे थे बैठे हुए अंडे के ऊपर, लेकिन इसका फीमेल जो है नहीं बैठ रहा था, ऐसा मैंने पहली बार नोटिस किया। और कभी कभी होता है किसी किसी बर्ड्स को ऐसा होता है, अभी देखे फीमेल जो है नीचे की तरफ आ रहा है और मेल देखना अभी अंदर चला जाएगा। तो गाइस इन लोगों का इंक्यूबेट जो टाइम होता है, इंक्यूबेट पीरियड जो होता है 17 से लेकर 21 दिन तक होता है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था अंडे देने के कितने दिन बाद जो है, मतलब कितने दिन में चिक्स निकलता है, तो दोस्तों चिक्स ठंड के टाइम में थोड़ा सा टाइम लगाता है, अभी इस टाइप का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है 35, 32 और 37 तक जो सॉरी 27 तक जो नॉर्मल वेदर मतलब टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में दोस्तों 18 से लेकर 20 दिन के अंदर जो है चिक्स निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तब तो वो डेड इन सेल हो गया होगा, या ठीक से अंडे को इंक्यूबेट नहीं किया, अंडे को हैच नहीं कराया मेल फीमेल ने, इसके रिकॉर्डिंग जो है वो अंडे ख़राब भी हो सकता है। मेरे यहाँ पर काफ़ी बार हो चुका है और मैं काफ़ी वीडियो भी दे दिया हूँ, आप लोग जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हो डेड इन सेल का कारण, या मैं यहीं पर साइड में दे दूँगा उसका वीडियो का लिंक, तो आप लोग देख लेना। तो गाइज इस तरीके से आपको मतलब प्रॉपर तरीके से आपको देखभाल करना होगा, और गाइस अंडे में से जब चिक्स निकल जाएगा तब आपको दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगा इसका सॉफ्ट फूड, आप देख सकते हो इसका सॉफ्ट फूड जो है
इसका सॉफ्ट फूड दोस्तों, सॉफ्ट फूड बहुत इंपॉर्टेंट का रोल निभाएगा, क्योंकि एक दिन का चिक्स को वो दाना नहीं खिला सकता, लेकिन इसी सॉफ्ट फूड को हल्के हल्के करके इसका खाने का अगर तरीका देखोगे दोस्तों, आप लोग देखो किस तरीके से ये खाते हैं। पहले देखो, देखिएगा किस तरीके से अपने छिलके, मतलब गेहूं के छिलके को, और इसको अच्छी तरीके से, मतलब इसको चीर के इसके अंदर का जो खाना है वो अंदर की तरफ ले रहा है। तो इस तरीके से ये लोग खाते हैं दोस्तों। तो ये जो गीला हुआ चीज़ जो खाते हैं एकदम सॉफ्ट टाइप का, ये जाके एक दिन को चिक्स को जाके खिलाते हैं। तो आपको एकदम मिस नहीं करना है दोस्तों, आपको दो टाइम जो है चिक्स जब निकल जाएगा दोस्तों, आपको तीन टाइम देना होगा। एक बार सुबह दे दिया, एक बार 12 बजे दे दिया, एक बार शाम होने के पहले एक बार दे देना, और एक बार अगर टाइम मिलेगा तो आपको रात के टाइम, मतलब रात 8 बजे से पहले उसको और एक बार एक चम्मच खाना दे देना होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो मैं चिक्स का और ये सब अंडे का, जितने भी बर्ड्स है कॉकटेल्स का, मैं इसका अपडेट देता रहूँगा। और आप लोग भी मेरे साथ ब्रीडिंग कराओ बर्ड्स को, एक या दो पेयर अगर है आपके पास तो ब्रीडिंग कराओ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ब्रीडिंग करा करके आप दोस्तों, मेरा जो मतलब शौक है, मैं इस छत के ऊपर बड़ा सा एक फार्म रेडी करूंगा जिसमें कॉकटेल्स होगा, बहुत सारा बर्ड्स होगा दोस्तों, मेरे पसंद के बहुत सारे बर्ड्स होगा। अभी दोस्तों जगह थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए बर्ड्स मैं उतना नहीं रख पाता हूँ। और गाइज मुझे जो है लगता है अभी ये टाइम भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर से ज़रूर मेरे भी यहाँ पर बहुत बड़ा जो है केज बन सकता है, या मतलब ब्रीडिंग फार्म बन सकता है। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है और नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको भी ज़रूर आप प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो मिले आप लोगों के साथ शेयर हो पाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय दोस्तों।